नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि रेस्ट, जिम जाने वालों लोगों में रेस्ट किस चीज़ को बोलते हैं, सेट क्या होता है, रैप मतलब रिपीटेशन क्या होता है, मैंने बता दिया। REST, रेस्ट जो होता है वो ज़्यादातर जो बोला जाता है वो एक सेट से दूसरे सेट के बीच में आपने कितनी देर आराम किया उसको बोला जाता है। जैसे मान लो मैंने 10 बार करके मैंने एक सेट कर दिया, 10 रिपीटेशन करके मैंने इस एक्सरसाइज का एक सेट करके रख दिया मैंने डंबल। अब मेरे हाथ थक गया था तो मैंने रख दिया डंबल। अब अगला सेट चालू करने से पहले, वापस से चालू करने से पहले मैं बीच में आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कितनी देर रुकता हूँ उसे रेस्ट कहते हैं। रेस्ट को लोग ब्रेक भी कहते थे, ऐसे बोला जाता कि 2 सेट्स के बीच में कितना रेस्ट लेता है, 2 सेट्स के बीच में कितना ब्रेक लेता है, रेस्ट पीरियड कितना है आपका, मतलब इस सेट से इस सेट के बीच में कितना रेस्ट पीरियड था आपका, मतलब कितनी देर रेस्ट किया, कितनी देर आराम किया, सेट ब्रेक कितना, सेट के बीच में ब्रेक कितना लंबा लेते हो, मतलब कितनी देर रेस्ट करते हो, वही है। और अगर आप कार्डियो कर रहे हो, कार्डियो से अभी ये मतलब समझ लो ये दौड़ रहे हो, साइकिल चला रहे हो, या वो क्रॉस ट्रेनर होती है वो कर रहे हो, मतलब तो उनमें रेस्ट का मतलब होता है जैसे आप 5 मिनट दौड़े फिर रुक गए फिर 5 मिनट दौड़े, तो बीच में जो जितनी देर के लिए रुके जितनी देर आराम किया उसे रेस्ट बोलते हैं। एक और बात, जिम के अंदर तो रेस्ट हो गया सेट्स के बीच का रेस्ट, एक रेस्ट डे भी बोल देते हैं लोग, या रेस्ट वीक मतलब रेस्ट का हफ्ता, या रेस्ट डे मतलब रेस्ट का दिन। कहने का मतलब एक जैसे रेस्ट डे यार, कोई कहता है आज मेरा रेस्ट डे, इसका मतलब आज मेरा आराम करने का दिन, आज मैं जिम जाके कसरत नहीं करूंगा, या मैं आज कसरत ही नहीं करूंगा, मैं आराम करूंगा, या अगर करूंगा तो बहुत हल्की फुल्की करूंगा। और वैसे ही अगर रेस्ट वीक बोलते तो कहते हैं इस हफ्ते मैं आराम करूंगा, अगले हफ्ते से कसरत चालू करेंगे इस तरीके से, इस हफ्ते बहुत हल्की एकदम लाइट एक्सरसाइज करूंगा, हल्की एक्सरसाइज करूंगा। तो मतलब रेस्ट डे जैसा शब्द भी आपको सुनने में आ सकता है, आज मेरा रेस्ट डे मतलब आज मैं कसरत नहीं करूंगा, बहुत हल्की फुल्की। मेन यही है, मैं ये सारे जो शब्द है आगे हो सकता है मैं उतने बड़े ही नॉर्मल भाषा में काम लेता रहूं, तो अगर किसी को समझ नहीं है इसलिए मैंने पहले बता दिया ताकि उनको आगे दिक्कत ना हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय।